बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। वेलकम करती हूँ मैं आपको किचन विद मुस्कान में। आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त रेमेडी शेयर करूँगी जो बच्चों, बड़ों और ख़वातीन के लिए ख़ास रेमेडी है। इस रेमेडी का एक गिलास दिन में आप पी लें और सारा दिन आप चाकू चौबंद रहेंगे और इस रेमेडी से आपके जिस्म और फेस में भी खुशगवार असरात नुमाया होंगे। इनके मैं कुछ फ़ायदे भी आपको साथ साथ बताऊंगी। तो चलिए रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बादाम लिए हैं 15 अदद, काजू लिए हैं 7 से 8 अदद और 4 अदद हमने खजूरें ली हैं। इनमें मैं पानी डाल दूंगी और इनको हम आधा घंटा रख देंगे सॉफ़्ट होने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून तुख मलंगा लिया है और इसमें हम इतना पानी डालेंगे कि अच्छी तरह से उसमें फूल जाएँ। तो इन तमाम चीज़ों के बहुत ही फ़ायदे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बादाम हमारे दिल के लिए, दिमाग के लिए, जिस्म की मजबूती के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। मल्टीविटामिन की तरह ये हमारे जिस्म में काम करते हैं और ये हमारी आँखों की रोशनी को बढ़ाते हैं। और काजू गर्मी और सर्दी दोनों मौसमों में खाया जाता है, बहुत ही मज़ेदार ये सारे एक को लगता है। दिल दिमाग के लिए काजू बेहतरीन है। और साथ ही आपको खजूर के फ़ायदे बताऊंगी। खजूर में मौजूद फाइबर और दीगर अज़ा हमारे लिए बहुत मुफीद हैं। अगर आप दिन में 3 खजूरें खाते हैं तो आपके जिस्म में खुशगवार असरात मरतब होंगे और आपके जिस्म बीमारी से महफूज रहेगा। इसके अलावा दिल और जिगर को ताकत देती है खजूर। तो तमाम चीज़ें हमने डाल दी हैं। बादामों के हमने छिलके उतार लिए थे, काजू डाल दिए हैं और खजूर गुठली निकाल के डाल दी है। फुल फैट 1 गिलास हमने दूध लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह से गर्म करने के बाद ठंडा किया हुआ है, डाल देंगे और 10 मिनट का इसमें रेस्ट देंगे हम। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 10 मिनट के बाद हम इनको ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमने ग्राइंडर मशीन में दूध डाल दिया है तमाम चीज़ों के साथ। इसमें मैं 2 टेबल स्पून चीनी के डाल दूँगी और अच्छी तरह से हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखें, ज़बरदस्त हमारा दूध तैयार हो चुका है। इसको हम बोल में निकालेंगे और इसमें हम डाल देंगे तुख मलंगा। तुख मलंगा के बहुत ही फ़ायदे हैं। तुख मलंगा तासीर में ठंडा होता है। हड्डियों के लिए तुख मलंगा बहुत ही अहम चीज़ है। वेट लूज़ के लिए तुख मलंगा का इस्तेमाल करना चाहिए। पेशाब की जलन और गर्मी की शिद्दत को ख़त्म करता है तुख मलंगा। तो ये तमाम चीज़ें हमने दूध में डाल दी हैं जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद हैं और दूध हमारा बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। ये रेमेडी ख़ास कर उन लोगों के लिए है जो बहुत काम करते हैं, जैसे ख़वातीन घरों से बाहर या घरों में काम करती हैं, थक जाती हैं। बच्चों के लिए जो पढ़ाई करते हैं और बड़ों के लिए ये रेमेडी बहुत ही ख़ास है। अगर आपको आज की रेमेडी अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर दें और किचन विद मुस्कान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में मुझे ज़रूर याद रखें। अपना प्यारा सा फीडबैक देना ना भूलिएगा। तो मुझे दें इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।